नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं कॉमोडिटी मार्केट नेचुरल गैस के ऊपर बेस करके ये लाइव वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, और एंट्री लेने के साथ साथ आपको एग्जिट कहाँ पर करना है। देखिए, बेसिकली हम लोग एंट्री तो सही जगह पे ले लेते हैं बट एग्जिट सही जगह पे नहीं कर पाते, और उसका चक्कर में जितना प्रॉफिट हम लोग को होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा जो एंट्री कहाँ पर लेना है और एग्जिट कहाँ पर लेना है, एकदम प्रैक्टिकली अभी आपका सामने एक लाइव मार्केट चल रहा है। तो देखिए, ये नेचुरल गैस का चार्ट आपने लगाया है, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का एरो आपको दिख रहा है ये आपका सिग्नल होता है। तो जब भी कोई सिग्नल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आएगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो उसका डिटेल लिख के आ जाएगा। 22.04 में आपका बाय का कॉल दिया, ऊपर में टारगेट स्टॉप लॉस सब कुछ लिख के आ रहा है। ये मैं नेचुरल गैस का सेकेंड मंथ का कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा हूँ, तो कन्फ्यूज मत होइएगा रेट को देखते हुए। तो जस्ट प्रेडिक्शन समझाने के लिए, तो ये जो बाय का कॉल बना है, ये जो बाय का कॉल बना है यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको देखना है। देखिए, बाइंग का कॉल में तीन चीज़ आपको यहाँ पर देखना है। ये क्या, नीचे का जो रिबन है उसका कलर क्या है। नीचे का रिबन का कलर ग्रीन है, मतलब यहाँ पर बायर्स ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, बाय का कॉल का पहले एक स्टार बनेगा, तो आपको देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कलर का स्टार दिखाई दे रहा है, दिस इज योर सेकंड कंडीशन। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, देखिए राइट साइड सॉरी नीचे में दिखाई देगा, नीचे में ये जो इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लोग ब्रिक्स कहते हैं। अब इसका काम क्या है, यहाँ पर देखिए कुछ अलग अलग कलर दिखेगा, ग्रीन है, रेड है एंड ब्लू है। ग्रीन बाइंग के लिए होता है, रेड सेलिंग के लिए होता है, ब्लू मतलब एक ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या साइडवेज हो रहा है। तो जिस टाइम बाय करने जा रहे हैं तो ब्रिक्स का कलर ऑब्वियसली ग्रीन होना है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ब्राउन कलर का लाइन का ऊपर होना चाहिए। देखिए, आपको यहाँ पर एक पतला सा ब्राउन कलर का लाइन दिखाई देगा और उसका ऊपर इस ब्रिक्स का कलर को होना चाहिए। तो तीन पॉइंट में और एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब भी कोई बाय का कॉल बनेगा नीचे का जो रिबन है उसका कलर को देखना है, ग्रीन है या नहीं, और स्टार बना है कि नहीं पहले, और ब्रिक्स का कलर ग्रीन है या नहीं, और ब्राउन का ऊपर है या नहीं। तो ये तीन चीज़ कंफर्म कर रहे हैं जो आपका कॉल कितना परफेक्ट है, आप इसमें ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे। जैसे देखिए, T1, T2, T3 राइट साइड में दिया हुआ है, तो तीनों टारगेट को ऑलरेडी अचीव कर चुका है, बट अभी भी मैं ये वेट कर सकता हूँ। देखिए, इन प्रॉफिट मिल जाने का मतलब है, टारगेट मिल जाने का मतलब है तुरंत निकल जाना, ऐसा नहीं। बहुत टाइम हम लोग यहाँ पर वेट भी कर सकते हैं क्योंकि मार्केट बहुत लंबा प्रॉफिट भी दे सकता है। एकदम ऊपर में देखिए आपको एक ग्रीन कलर का डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। मतलब अगर ये नेचुरल गैस अभी मूवमेंट करता है तो ये 224 तक ऊपर जाने का एक संभावना है, बट इसका पहले अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो नीचे का जो ब्रिक्स है इसमें सबसे पहले आपका चेंजेस दिखाई देगा। नीचे का जो ब्रिक्स का कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो ये ग्रीन से ब्लू में या रेड में कन्वर्ट होगा। जब तक ये कलर चेंज नहीं होता तब तक आप अपना पोजिशन में आराम से वेट कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ आप राइट साइड में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर में बाइंग एंड सेलिंग का जो परसेंटेज है ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है, जो हर मोमेंट में कितना परसेंटेज बायर्स है सेलर्स से। जैसे अभी इस मोमेंट में जो खड़ा है, देखिए 100% बायर्स, अभी चेंजेस हो रहा है कंटिन्यूअसली, एक बार 100% बायर्स आ रहा है, एक बार सेलर्स आ रहा है। तो ये जो परसेंटेज है ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं जो यहाँ पर शायद मार्केट में ट्रेडर मार्केट को स्विच करने का कोशिश कर रहा है। देखिए, अभी 100% सेलर्स आ गया, 0% बायर्स आ गया, तुरंत 100% बायर्स जा रहा है, फिर 0% सेलर्स आ रहा है। तो इस कैंडल पे मोमेंट ऐसा हो रहा है जो ट्रेडर मोमेंट को चेंज करने का कोशिश कर रहा है। तो ये तो जस्ट एक हेल्पलाइन है, बट मेनली आपको जो फॉलो करना है नीचे का ब्रिक्स को फॉलो करना है। जब तक ब्रिक्स में कोई चेंजेस आपको नहीं दिखाई देगा आप वेट कर सकते हैं। देखिए, तीनों टारगेट मिल गया है, आप एग्जिट कहीं पर भी कर सकते हैं, बट अभी भी आपका मार्केट में रेंज आपको दिखाई दे रहा है जो 224 तक मार्केट ऊपर जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, सिग्नल बनेगा, कंडीशन को आपको मैच करना है। अगर मैच होता है तो आप ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखिए, अभी परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है, 33% बायर्स है, 67% सेलर्स है, तो सेलर्स का परिमाण थोड़ा सा भारी है। और इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियो देखना है या मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अगर आप मेरा थोड़ा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप हम लोग का लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर में आप कॉल कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे हम लोग का डेली लाइव डेमो चलता है। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा आप मुझे लाइव डेमो में कांटेक्ट करके क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।